सीख रहे हैं स्पेलिंग्स। जैसा आप जानते हैं, हर लेक्चर में हम 25 इम्पॉर्टेंट स्पेलिंग को डिस्कस करते हैं। तो आज के लेक्चर में आई से बनने वाली बाकी 25 स्पेलिंग्स हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने 25 स्पेलिंग्स डिस्कस की थी आई से बनने वाली। तो चलिए फ्रेंड्स, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम बात कर ले एक प्यारी सी स्पेलिंग, इमेंसली। इमेंसली एडजेक्टिव की तरह यूज़ होता है, जिसका मतलब होता है बहुत ज़्यादा, बहुत अधिक मात्रा में कोई चीज़ होती है तब आप यूज़ करते हैं इमेंसली। IMMANSELY, और IMMENSELY, दोनों में देख लीजिएगा कौन सी स्पेलिंग सही है। वर्ड यूज होता है इमेंसली एडवर्ब की तरह, नॉट एन एडजेक्टिव, एडवर्ब की तरह इसको हम यूज करेंगे। अच्छा, इसके लिए एक सिनोनिम इसका मिलता है हमें, मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड भी हम इसी सेंस में यूज करते हैं। हिंदी कहें तो हो जाएगा बहुत ज्यादा। अच्छा, प्लेंटी, प्लेंटी भी हम इसी के सिनोनिम के रूप में हम यूज कर लेते हैं, प्लेंटी। क्लियर। इसके बाद नेक्स्ट स्पेलिंग है हमारे पास इंटरमिटेंस। इंटरमिटेंस होती है जब आप कोई चीज होती है कंटिन्यूअसली नहीं होती, उसमें कोई विराम हो जाता है, कोई विच्छेद हो जाता है, रेसेस हो जाता है, वहां हम यूज करते हैं वर्ड को इंटरमिटेंस को, जो यूज होता है नाउन की तरह। MITENCE, देख लीजिएगा दोनों में कौन सी स्पेलिंग सही है, जिसको हम कह देते हैं अंत्य विराम। या विच्छेद। अच्छा, इसका सिनोनिम आपको सिंपल सा वर्ड मिलता है, रेस्पाइट आप कह सकते हैं, रेसेस कह सकते हैं, या रिपोज कह सकते हैं। रेस्पाइट, या रिपोज। क्लियर। अंत्य विराम कह दीजिए, इंटरमिटेंस कह दीजिएगा। और नेक्स्ट वर्ड है रेडिएंट, यानी जो रेडिएंट होती है कोई चीज, चमकदार होती है, तो उससे उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं इरिडिसेंट। और देखिए, इरिडिसेंट की अगर बात करें तो इरिडिसेंट हम यूज करते हैं एडजेक्टिव की तरह, और सिनोनिम उसका मिल जाता है आपको रेडिएंट, चमकदार आप कह सकते हैं, रंग बिरंगा कह सकते हैं, या आनंददायक कह सकते हैं। आनंददायक के सेंस में भी हम इरिडिसेंट को यूज करते हैं। अच्छा, एक वर्ड और इसका सिनोनिम आपको मिलता है मोटले, MOTLEY, मोटले। मोटले भी इसी के सिनोनिम के रूप में हम यूज करते हैं। और सबसे ज्यादा कॉमन एक वर्ड है आई से बनने वाला, इरिलेवेंट। इरिलेवेंट होता है जिसको आप कहते हैं असंगत या अप्रासंगिक। इरिलेवेंट, असंगत, अप्रासंगिक। तो देख लेते हैं क्या स्पेलिंग है, IRRELEVENT, और IRRELEVANT, दोनों में देख लीजिएगा, दो ही स्पेलिंग दे रहा हूं आपको। रेलिवेंट, तो रेलिवेंट की बात करें तो इसको भी हम एडजेक्टिव की तरह यूज करते हैं, और ए संगत आप कह दीजिएगा, या ए प्रासंगिक। क्लियर। इरेलेवेंट, और इरेलेवेंट के लिए एक और वर्ड आपको मिल जाता है इम्पर्टिनेंट, आप यूज करते हैं इम्पर्टिनेंट। इम्पर्टिनेंट एक स्पेलिंग लिखिए, एक बार देख लीजिए सही है कि गलत है। और एक वर्ड और आपको मिलता है इन अपोजिट, INAPPOSITE, इस पे देख लीजिएगा, ये ओ नहीं होता, यहाँ ए होता है, एक एब्जिट होता है, एक ओ से बनता है, ऑब्जिट होता है। क्लियर। और नेक्स्ट वर्ड है इरेसिबल, इरेसिबल,
और इरेसिबल की बात करें तो कोई व्यक्ति गुस्सैल होता है या तेज मिजाज होता है, तो उसके लिए हम इस वर्ड को यूज करते हैं। वर्ड है इरेसिबल, IRASCIBLE, और IRASCIBLE, इरेसिबल। और इरेसिबल की अगर नेचर की बात करें तो वर्ड डेफिनेटली हम यूज करते हैं एडजेक्टिव की तरह, गुस्सैल कह दीजिएगा या तेज मिजाज आप कह दीजिएगा इसके लिए। और अगर हम सिनोनिम देखें तो हफी एक वर्ड मिल जाता है आपको, हफी, या आप कह दीजिए क्रैबी, CRABBY, क्रैबी, HUFFY, हफी, हफी भी इसका सिनोनिम आपको मिलता है। या आप कई बार शॉर्ट टेम्पर्ड आप कह सकते हैं, और या इरिटेबल भी इसका सिनोनिम आपको मिल जाता है। कोई व्यक्ति इरिटेबल है यानी वो गुस्सैल है, तेज मिजाज है। क्लियर? तो देख लेते हैं सही स्पेलिंग क्या है। देखिए इमेंसली की बात करें तो इमेंस में आपको याद रखना है एस, इसमें सी का आप यूज नहीं करते, IMMENSE, इमेंस, और LY इसमें लग जाता है, तो IMMENSE, IMMANSE नहीं है, ENSE। तो इमेंसली इस स्पेलिंग को आप देख लीजिए, ये सही स्पेलिंग है। और इदिमिटेंस की बात करें तो इसमें MITTENCE आप याद रखिए, ANC नहीं होता, ENCE होता है, MITTENCE, INTER MITTENCE। और इरिडिसेंट की बात करें तो IRI, और उसमें डिसेंट जोड़ दीजिए, IRI DESCENT। अच्छा एक स्पेलिंग है DISENT, डिसेंट, क्या मीनिंग होता है इसका, एक कमेंट करके मुझे फटाफट से बता दीजिएगा। और इररेलेवेंट की बात करें तो इसमें आपको याद रखना है VANT, IRRELEVANT, ए इसमें होता है इररेलेवेंट में, ई नहीं होता, गलती यहीं ऊपर होती है ए में और ई में। इम्पर्टिनेंट की सही स्पेलिंग लिखी हुई है। और इरेसिबल की बात करें तो IRASCIBLE, IRASCIBLE, ये स्पेलिंग सही है। तो चलिए फ्रेंड्स नोट करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट वर्ड की। आई से बनने वाला एक प्यारा सा वर्ड आपको मिलता है इल्यूमिनेशन, जिसका मतलब होता है लाइटनिंग, या आप चमक कह सकते हैं, या रेडियंस भी जिसके लिए हम यूज करते हैं इल्यूमिनेशन, IUMINATION, और IWMENATION, इल्यूमिनेशन यानी नाउन की तरह यूज करेंगे हम इस वर्ड को, और हिंदी में आप कह देंगे इसको चमक। क्लियर? और एक चीज और है, रेडियंस हमने कहा या लाइटनिंग कहा, LIGSTING, लाइटिंग कहिए या लाइटनिंग कहिए, देख लीजिए लाइटनिंग का। अच्छा लाइटनिंग अगर हम लिख दें LIGHTENING, इस वर्ड का मीनिंग बताइए मुझे क्या होगा, कि इससे इसका सिनोनिम है कि और कुछ वर्ड है। क्लियर? या एनलाइटमेंट आप कह सकते हैं, या आप रेडियंस कह सकते हैं, RADIANCE या ENCE सही होता है इसमें, रेडियंस में। और नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास इनसिसेंटली। इनसिसेंटली की बात करें तो कोई चीज कंटिन्यूअसली होती है, कंटिन्यूअल होती है, एटर्नल होती है, तब हम इनसिसेंटली को यूज करते हैं, जिसका मतलब होता है लगातार। क्लियर? इनसिसेंटली, INCESANTLY, और INCESENTLY, इनसिसेंटली। और डेफिनेटली वर्ड यूज करेंगे हम, LY आ रहा है एडवर्ब की तरह, हिंदी मीनिंग हो जाएगा जिसका लगातार या बिना रुके।
क्लियर? कंटिन्यूअसली कह दीजिए, कंटिन्यूअल कह दीजिए, या एटर्नल कह दीजिए? CONTINUOUSLY, अच्छी स्पेलिंग है कंटिन्यूअस की, देख लीजिएगा एक बार। या एटर्नल हम कह सकते हैं, कोई चीज लगातार है तो उसके लिए एटर्नल भी हम यूज करते हैं वर्ड को। चलिए इसके बाद नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास, हम अक्सर यूज करते हैं इनकॉन्वीनियंस। इनकॉन्वीनियंस होता है जब हम कहते हैं कोई असुविधा हमें हो रही है, या डिस्टर्बेंस हो रहा है, या न्यूजेंस हो रहा है, तब हम इनकॉन्वीनियंस को यूज करते हैं। INCONVENIENCE और INCONVENIANCE, और वर्ड डेफिनेटली देखिए INCE है या ANCE है या ENCE है, तो डेफिनेटली वर्ड क्या जो होगा वो नाउन होगा। आप कह दीजिएगा क्या? असुविधा जिसके लिए हम डिस्टरबेंस कह सकते हैं, और डिस्टरबेंस के साथ साथ एक वर्ड और होता है न्यूसेंस, NUISANCE, न्यूसेंस। क्लियर? इनकन्वीनियंस के सिनोनिम के रूप में। नेक्स्ट वर्ड है फ्रेंड्स इनसॉबरिटी। INSOBRIETY या INSOBRIETY, और इनसॉबरिटी की अगर बात करें तो इनसॉबरिटी होती है, देखिए ITY आ गया तो डेफिनेटली वर्ड होगा आपका नाउन, और अगर हिंदी कहे तो आप कह देंगे संयम, या जो मद्यपान होता है उसके लिए भी हम इस वर्ड को यूज करते हैं, क्या? इनसॉबरिटी को। तो इन एब्रिएशन आप कह सकते हैं, या ड्रंकननेस इसका सिनोनिम आप कह सकते हैं। ड्रंकननेस देख लीजिएगा स्पेलिंग, ये भी सही है कि नहीं है। अच्छा एक वर्ड और आता है इनएब्रिएटेड, इसी से बन जाता है, इनएब्रिएटेड होता है, जिसको आप कह सकते हैं पियक्कड़, मतलब बहुत ज्यादा पीने वाला, वो क्या होता है पियक्कड़ होता है, उसके लिए हम क्या कहते हैं इनएब्रिएटेड। क्लियर? और नेक्स्ट वर्ड है इनवर्टिब्रेट। इनवर्टिब्रेट क्या होता है, हमारी बॉडी में एक वर्टिब्रेट कॉलम होता है जिसको हम कहते हैं बैकबोन, यानी रीढ़ की हड्डी। तो ऐसे एनिमल्स जिनमें जो जिनमें बैकबोन नहीं होती, हैविंग नो बैकबोन, उनको हम कहते हैं इन वर्टिब्रेट। एक बार स्पेलिंग ये आई भी है फ्रेंड्स, INVERTI, इन वर्टी, और BRATE, और INVERTE, INVERTIBRIATE, इनवर्टिब्रेट, और INVERTEBRATE, देख लीजिए जरा, हाँ BRATE BRIATE, तीनों में देख लीजिए, तीन स्पेलिंग यहां लिख दी मैंने। और इन वर्टिब्रेट की बात करें तो जो वर्ड है वो हम यूज करते हैं एडजेक्टिव की तरह, यानी हैविंग नो बैकबोन, यानी बिना रीढ़ का, आप कह दीजिए हिंदी में बिना रीढ़ का, यानी ऐसे एनिमल जिनमें बैकबोन नहीं होती, उनके लिए हम इस वर्ड को यूज करते हैं। अच्छा एक वर्ड और आता है इसके सिनोनिम के रूप में, फ्लिम्सी, FILFLIMSY, फ्लिम्सी। फ्लिम्सी भी इसके सिनोनिम के रूप में हम यूज करते हैं। तो देख लेते हैं सही स्पेलिंग। इल्यूमिनेशन की बात करें तो ILLUMI और NATION इसमें जोड़ देते हैं, इल्यूमिनेशन में ILLUMI NATION, पहली वाली स्पेलिंग ये आपकी सही हो जाती है। और इनसिसेंटली की बात करें तो INNCESSENTLY, ANT, ANT इसमें याद रख लीजिएगा आप, ANT, INCESSENTLY,
CESSANTLY, ये पहली वाली स्पेलिंग आपकी सही है इंसिडेंटली में। और इनकन्वीनियंस की बात करें तो INCONVENIENCE, डेफिनेटली पहली स्पेलिंग सही मिल जाती है आपको। और इनसॉब्रिटी की बात करें तो INSOBRI, इसमें आप याद रखिए BRI, BRE नहीं है, BRI है, IE है, INSOBRIETY। और इनवर्टिब्रेट की बात करें तो INVERTEBRATE, INVERTE, इनवर्टी, INVERTE, BRATE, ये लास्ट वाली स्पेलिंग आपको सही मिल जाती है। INVERTE, BRATE, इनवर्टीब्रेट, क्लियर। और देखिए सबसे बड़ी स्पेलिंग की एक प्रॉब्लम होती है फ्रेंड्स, स्पेलिंग जब हम याद करते हैं तो स्पेलिंग यहाँ नहीं होती, वो होती है मसल्स में, क्लियर, दिमाग में नहीं होती, वो मसल्स में होती है। मसल्स से मतलब ये है कि जितनी बार आप स्पेलिंग को लिखेंगे उतनी बार आप सही करेंगे। कई बार क्या होता है, आप किसी को स्पेलिंग कोई आपसे पूछे क्या है तो आप उसको जब तक लिख के ना देख लें तब तक आपको कंफर्म नहीं होता, आप मीन्स कई बार गलत बोल देते हैं लेकिन आप कहते हैं नहीं रुको मैं लिख के देख लेता हूँ। तो स्पेलिंग तभी आपकी लर्न होंगी जब आप इनको एक बार कम से कम लिख के देखेंगे। तो इनको जहाँ भी आपको डाउट है उसको बार बार लिखिए स्पेलिंग को, तो डेफिनेटली आपको परमानेंटली ये लर्न हो जाएगी। अदरवाइज क्या है, लेक्चर है, कोई बेनिफिट इसका खास नहीं होगा, अभी नोट्स बनाते जाएंगे। तो इसको आप प्रैक्टिस में लाइए, जितनी बार लिखेंगे, और देखिए दोनों चीज़ यहाँ से कवर हो रही है, आपकी वोकैब भी कवर हो रही है और स्पेलिंग तो कवर हो ही रही है, क्लियर। तो यहाँ वही वर्ड्स लिए गए हैं, मैंने वही वर्ड्स लिए हैं जिनकी स्पेलिंग में मिस्टेक्स होती है जनरली। तो चलिए नोट करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट वर्ड है फ्रेंड्स इरप्शन। इरप्शन की बात करें, जब आप आक्रमण करते हैं या चढ़ाई करते हैं तो उस सेंस में हम इस वर्ड को यूज करते हैं इरप्शन को। IRRUPTION, इरप्शन, सही स्पेलिंग बिल्कुल मैंने लिख दी आपकी। और नाउन की तरह यूज करते हैं वर्ड को, चढ़ाई या आक्रमण करने के सेंस में। इसमें आपको इन्वेजन, आपका इसको सिनोनिम आपको मिल जाता है, या इंट्रूजन भी आप यूज कर सकते हैं। INTRUSION, अच्छा इंट्रूजन की बात करें तो इससे एक इंट्रूडर आपको मिल जाता है जिसको आप घुसपैठिया कहते हैं। यह एक बड़ा कॉमन सा वर्ड आपको इसके लिए मिलता है, वो आप कहते हैं सिनोनिम इसका रेड, क्लियर। इरप्शन की बात करें, अच्छा इरप्शन में आई है लेकिन ERUPTION एक वर्ड और है, ERUPTION, इरप्शन। जरा इसकी स्पेलिंग देख के कमेंट कर दीजिएगा क्या इसका मीनिंग होता है, क्लियर। और बड़ा कॉमन सा वर्ड, अगर हम आई की बात कर रहे हैं तो इमीडिएटली की बात करना डेफिनेटली है, इमीडिएटली यानी तुरंत के सेंस में, शॉर्टली के सेंस में या इंस्टेंटली के सेंस में आप इस वर्ड को यूज करते हैं। किसको, इमीडिएटली, IMMEDIATELY, IMME, सही स्पेलिंग है बिल्कुल, सही वाली लिख दी मैंने। वर्ड की नेचर की बात करें तो एडवर्ब के सेंस में हम यूज करेंगे, या हिंदी में तुरंत कह दीजिए या शॉर्टली कह दीजिए। या इंस्टेंटली आप कह दीजिए, इंस्टेंटली, शॉर्टली या इमीडिएटली, क्लियर। नेक्स्ट स्पेलिंग है इनसिपिएंट। और इनसिपिएंट की बात करें तो इनसिपिएंट हम यूज करते हैं कोई चीज जब इनिशियल होती है, यानी जब कोई चीज प्रारंभिक होती है, उस सेंस में हम इस वर्ड को यूज करते हैं। इसकी डेफिनेटली आपको दो स्पेलिंग लिख के दूंगा मैं, INCIPIENT, INCEPIENT और INCIPIENT, इंसिपिएंट। और वर्ड होता है आपका
एडजेक्टिव, और आप कह देते हैं प्रारंभिक। प्रारंभिक यानी इनिशियल आप कह दीजिएगा या बिगनिंग कह दीजिएगा। अच्छा, इस वर्ड की बात करें, देखिए ये अगर इनिशियल बिगनिंग की बात है तो ये वर्ड जो कहीं ना कहीं हम यूज करते हैं, जो बुद्धिहीन होता है, ब्लॉक हेड होता है, उस सेंस में भी हम यूज कर लेते हैं। भाई कोई एक्सपीरियंस्ड हो गया तो वो तो वाइज हो गया, और वाइज नहीं है तो यानी क्या है, बिगनर है, तो बिगनर क्या होता है, कई बार ब्लॉक हेड बुद्धिहीन के सेंस में भी इस वर्ड को यूज किया जाता है, उसके भी सिनोनिम के रूप में हम इसको लेते हैं। और नेक्स्ट वर्ड है फ्रेंड्स इन्फीरियरिटी। इन्फीरियरिटी जो हीनता होती है आपके, पॉसिटी कह दीजिए, न्यूनता कह दीजिए, हीनता कह दीजिए, INFERIORIETY, देख लीजिए दोनों में कौन सी स्पेलिंग सही होगी। और आप नाउन की तरह आप इस वर्ड को यूज कीजिए, आप कह दीजिएगा हीनता। क्लियर? और हीनता के सेंस में आप एक वर्ड और यूज करते हैं, पॉसिटी को यूज करते हैं, PAUCITY, पॉसिटी कह दीजिए, या फिर आप एक वर्ड और है डिफिशियंसी, डिफिशियंसी भी इस के सिनोनिम के रूप में आप यूज करते हैं, DEFICIENCY या CIANCY, डिफिशियंसी देख लीजिएगा। और एक चीज और होती है फ्रेंड्स, कई बार जब हम स्पेलिंग सीखते रहते हैं, स्पेलिंग करते हैं, तो जो सही स्पेलिंग है उसको भी हम कई बार गलत कर जाते हैं। अच्छा, एग्जाम में तो बिल्कुल इसके उल्टा होता है, जब भी हम एग्जाम में स्पेलिंग करने बैठते हैं या वहाँ चार ऑप्शन देखते हैं तो हमें चारों सही दिखने लगते हैं। क्लियर? मतलब जो सही होता है वो भी कई बार गलत कर जाते हैं। और चलिए लास्ट स्पेलिंग, लास्ट क्या 14th स्पेलिंग ले लें, इंटेलिजेंस, INTELLIGENCE और INTELLIGENCE, इंटेलिजेंस। और इंटेलिजेंस बड़ा कॉमन सा वर्ड है जिसका मतलब होता है आप ज्ञान कह देते हैं, बुद्धिमत्ता कह देते हैं, और वर्ड आप यूज करते हैं किसके सेंस में, नाउन के सेंस में इंटेलिजेंस को, और जिसके लिए। अच्छा, आप एक वर्ड और बड़ा प्यारा सा मुझे याद आ रहा है, सेगासिटी, SAGACITY, सेगासिटी, सेगासिटी, सेगासियस एक वर्ड होता है, जब आप कहते हैं कोई व्यक्ति कैसा है, बुद्धिमान है, तो सेगासियस उसके लिए हम यूज करते हैं, सेगासिटी हो गया, SAGACITY, या डिस्क्रिशन भी आप कह सकते हैं, DISCRETION, डिस्क्रिशन, या डेक्सटरिटी आप कह दीजिए, DEXTERITY, डेक्सटरिटी यानी कुशलता, दक्षता के सेंस में। क्लियर? इंटेलिजेंस के सेंस में हम डेक्सटरिटी को यूज करते हैं। अच्छा, डेक्सटरिटी से डेफिनेटली आपको एक वर्ड याद आ रहा होगा, एम्बिडेक्स्ट्रस। क्लियर? थ्री इडियट में जो करेक्टर था, और क्या था, दोनों हाथों से लिखने वाला प्रोफेसर वायरस था शायद नाम उसका, तो क्या था, एम्बिडेक्स्ट्रस। स्पेलिंग फटाफट से कमेंट कर दीजिएगा एम्बिडेक्स्ट्रस की क्या होती है। चलिए सही स्पेलिंग देख ले, इरप्शन की बात करें तो IRRUPTION सही स्पेलिंग है, इमीडिएटली की भी सही लिख दिए। और इनसीपियंट की बात करें तो INNCIPIENT, INCIPIENT इस स्पेलिंग को देखिए, ये वाली सही है। और इन्फीरियरिटी की बात करें तो INFERIOR, इन्फीरियर हो जाता है और ITY उसमें जोड़ देते हैं, INFERIOR ITY, इन्फीरियरिटी। और इंटेलिजेंस की बात करें तो डेफिनेटली पहली स्पेलिंग सही है, INTELLIGENCE, इंटेलिजेंस। तो चलिए फ्रेंड्स नोट करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट वर्ड है, हम यूज करते हैं इंटरसीड। और इंटरसीड की बात करें, इंटरसीड हम जो मध्यस्थता करना होता है, यानी दखल देना, पक्ष लेने के सेंस में हम यूज करते हैं इंटरसीड को। तो देख लेते हैं क्या है स्पेलिंग, SEDE, SEED और INTERCEDE, इंटरसीड। और देखिए वर्ड जो है, डेफिनेटली हम वर्ड यूज करते हैं वर्ब की तरह,
मध्यस्थता करना या पक्ष लेने के सेंस में हम इसको यूज करते हैं। और देखिए एक वर्ड और है, क्या है, इंटरवन, इसके लिए सिनोनिम यूज करते हैं हम, इंटर VEN, इंटरवन, इंटरवन भी इसका सिनोनिम है। या आर्बिट्रेट आप यूज कर देते हैं, ARBI, ARBITERATE, आर्बिट्रेट, क्लियर। और एक वर्ड और है फ्रेंड्स आपके पास, इनवे हम यूज करते हैं। इनवे की बात करें तो इनवे हम यूज करते हैं घोर निंदा करने के सेंस में, यानी फटकारने के सेंस में, चाइड चाइड कह दीजिए, असॉल्ट आप कह दीजिए। और वर्ड है फ्रेंड्स INVEIGH और INVIEGH, इनवे। शायद स्पेलिंग आपने डेफिनेटली नहीं सुनी होगी इसकी। वर्ब के सेंस में यूज करते हैं घोर निंदा करने के सेंस में, इनवे, क्लियर। और घोर निंदा करना यानी असॉल्ट आप कह सकते हैं इसको, ASSAULT, असॉल्ट। देख लीजिए क्या ULT असॉल्ट सही है कि नहीं है। यानी स्ट्राइक भी आप कह सकते हैं इसमें, और अगर निंदा करने की बात करें तो चाइड आपके पास एक कॉमन सा वर्ड आता है, चाइड, स्कोल्ड आप कह दीजिए, डांटना फटकारना, क्लियर। और या पाउंस भी आप कह सकते हैं, पाउंस, झपट रहे हैं आप किसी पे, किसी की निंदा कर रहे हैं, उस शेड में हम पाउंस को भी यूज करते हैं। चलिए इनवे के बात करें, एक वर्ड है हमारे पास इनवेगल। इनवेगल हम यूज करते हैं फुसलाने के सेंस में, यानी सेड्यूस करने के सेंस में, इनवेगल, INVEIGLE और INVEGLE, इनवेगल। और देखिए इनवेगल की बात करें तो ये वर्ड भी डेफिनेटली हम वर्ब की तरह से ही यूज करते हैं, और हिंदी में आप कह दीजिए फुसलाना, यानी सेड्यूस आपने कर लिया या आपने एंटाइस कर लिया किसी को, तो उस सेंस में हम सेड्यूस, एंटाइस, एंटाइस के सेंस में हम यूज करते हैं। या एक कॉमन सा वर्ड आपको और मिल जाता है, टेम्प्ट, टेम्पटेशन, यानी टेम्पटेशन, जहाँ ललचा जाते हैं, क्लियर, इसी से बनने वाला वर्ड है। और अगर हम बात करें, एक और प्यारा सा वर्ड है हमारे पास इंस्टल। इंस्टल हम यूज करते हैं जब किसी चीज को आप मन में बैठा लेते हैं, क्लियर, कह देते हैं भाई दिमाग में बैठा लो इसको, इन्फ्यूज कर लो, इनफिक्स कर लो और इंस्टल कर लो, TIL और INSTILL, इंस्टल। और वर्ब के सेंस में यूज करते हैं इस वर्ड को भी, क्लियर। एडजेक्टिव बहुत सारे पढ़ रहे थे, यहां अब कुछ वर्ब हमारे पास आने लगी, यानी मस्तिष्क, में बैठाना, इन्फ्यूज और इन्फिक्स आप कह सकते हैं इसके सिनोनिम के रूप में, क्लियर। और इसके बाद एक वर्ड है हम दिवालियापन के लिए यूज करते हैं, यानी इंसॉल्वेंसी आप कहते हैं, क्या, इंसॉल्वेंसी, VANCY और VENCY, इंसॉल्वेंसी। और इंसॉल्वेंसी हम यूज करते हैं नाउन के सेंस में, आप कह लीजिए दिवालियापन, यानी बैंकरप्सी आप कह सकते हैं, कोई व्यक्ति दिवालिया हो गया जिसको आप कहते हैं, इंसॉल्वेंट हो गया या बैंकरप्ट हो गया, तो वहाँ बैंकरप्ट से बैंकरप्सी आपका नाउन आपको मिल जाता है। बैंकरप्ट की बात करें या इंसॉल्वेंट की बात करें तो दोनों वर्ड हम यूज़ करते हैं एडजेक्टिव की तरह, क्लियर। और BANRUPTCY, देखिए यही स्पेलिंग होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए बैंकरप्सी की। और चलिए सही स्पेलिंग देख लें, इंटरसीड की बात करें तो INTER, इंटर, CEDE, INTER CEDE, ये वाली स्पेलिंग आपकी सही हो जाती है। और अगर इनवे की बात करें तो INVEIGH, INVEIGH, इनवे मिल जाता है आपको। और इन वेगल की बात करें तो VEIGLE,
INVEIGLE। देखिए दोनों वर्ड काफी कुछ एक ही पैटर्न पे बने हुए हैं, इन वे और इन व्हीकल, क्लियर। और इंस्टिल में आप ध्यान रख लीजिएगा, इंस्टिल में डबल एल आपको मिलता है, INSTILL इंस्टिल, और इंसॉल्वेंसी में आपको मिलता है VENCY, VANCY नहीं मिलता, INSOLVENCY इंसॉल्वेंसी, और बैंकरप्ट BAN के बैंक, ओके ए छूट के छूट गया इसमें, BAN के बैंक, RUPTCY बैंकरप्सी, ये सही स्पेलिंग आपको मिल जाती है। तो चलिए फ्रेंड्स, आई होप मज़ा आ रहा होगा, और बोर्ड एग्जाम चल रहे थे उसकी वजह से काफ़ी डिस्टर्बेंस रहा, और मुझे लगा 5-6 दिन बाद शायद ये लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है आज सैटरडे में। तो चलिए, बाकी कल संडे है, कोशिश होगी कि कल एक लाइव सेशन भी हो जाए, आई विल ट्राई माई बेस्ट। तो चलिए फ्रेंड्स, नोट करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए फ्रेंड्स, एक वर्ड है हमारे पास इनडिस्पेंसेबल। इनडिस्पेंसेबल की बात करें, कोई चीज इनडिस्पेंसेबल है यानी आपके लिए अपरिहार्य है यानी अनिवार्य है, उस सेंस में हम इस वर्ड को यूज करते हैं। इनडिस्पेंसेबल देख लीजिए क्या स्पेलिंग होनी चाहिए, INDISPENSABLE इनडिस्पेंसेबल, या INDESPENSABLE देख लीजिए। अच्छा, अगर ABLE आ रहा है तो डेफिनेटली वर्ड एडजेक्टिव होना चाहिए, इनडिस्पेंसेबल, क्लियर। और इनडिस्पेंसेबल की बात करें, अपरिहार्य, आप हिंदी इसकी लिख दीजिएगा अपरिहार्य या अनिवार्य आप कह सकते हैं कोई चीज, यानी आप इसेंशियल, इसका एक कॉमन सा वर्ड आपको मिल जाता है, ESSENTIAL इसेंशियल कह दीजिए, या आप वाइटल कह दीजिए, VITAL, या आप इन एविटेबल आप कह दीजिए, INEVITABLE इनएविटेबल है कोई चीज तब भी आप उसको इंडिस्पेंसेबल कह सकते हैं, क्लियर। और इनडिस्पेंसेबल के बाद बात करें हम नेक्स्ट वर्ड की, तो नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास इम्प्रेसेरियो। इम्प्रेसेरियो एक जो पब्लिक एंटरटेनमेंट होते हैं उसका एक ऑर्गेनाइजर होता है, उसके लिए हम इस स्पेलिंग को यूज करते हैं, इम्प्रेसेरियो। और देखिए डेफिनेटली आपने स्पेलिंग ये पढ़ी नहीं होगी, IMPRESSERIO इम्प्रिसेरियो। और बात करें इस वर्ड की, तो वर्ड यूज करते हैं हम नाउन की तरह, क्लियर, INPRESSARIO या SERIO। नेक्स्ट वर्ड है इनकॉन्सीलिएबल। इनकंसीवेबल, कंसीव से बनने वाला वर्ड है इनकंसीवेबल, INCONCEIABLE इनकंसीएबल और इनकंसीवेबल, और INCONCEIVABLE देख लीजिए दोनों स्पेलिंग, ABLE और VABLE इनकंसीवेबल, यानी अगर वर्ड की नेचर देखें तो डेफिनेटली एडजेक्टिव की तरह जाएगा, और जब आप कह देते हैं कोई चीज कल्पना से परे होती है, क्लियर, यानी अनथिंकेबल होती है, तब आप इस वर्ड को यूज करते हैं, कल्पना से परे, अनथिंकेबल आप कह सकते हैं इसके सिनोनिम के रूप में, या अनबिलीवेबल भी आप यूज कर सकते हैं, अनबिलीवेबल स्पेलिंग बहुत अच्छी है अनबिलीवेबल की, BELIEV और ABLE देख लीजिए, या स्पेलिंग सही होगी कि नहीं होगी, अनबिलीवेबल। और अनबिलीवेबल के बात करें, एक वर्ड आपके पास आता है इम्परसेप्टेबल। इम्परसेप्टेबल की बात करें तो जो इम्परसेप्टेबल है वो आप यूज करते हैं बहुत थोड़े के सेंस में, क्लियर, यानी कोई चीज बहुत थोड़ी है, या आप अगोचर कह सकते हैं, या उसका अतींद्रिय एक हिंदी शब्द आपको मिल जाता है, क्या वर्ड है, इम्परसेप्टेबल।
TIBLE और imperceptible IMPERCEPTABLE, TIBLE और TABLE, यहीं पर डेफिनेटली जो गलती है वो आपकी होती है। वर्ड डेफिनेटली एडजेक्टिव होगा और आप कह सकते हैं अगोचर इसका सिनोनिम या अतींद्रिय। अगोचर, क्लियर। और सबसे बड़ी बात यह है अगोचर क्या होता है, जिसको आप कह दीजिए अनसीन या LATENT, लेटेंट, लेटेंट भी इसके सिनोनिम के रूप में हम लेते हैं, क्लियर। या अनमार्क्ड आप कह सकते हैं, सिंपल सा एक सिनोनिम इसका अनमार्क्ड, यानी जिसको आप मार्क ना किया जाए, जिसको आप मार्क ना कर सकें वो अगोचर होता है, वो अतींद्रिय आपका होता है, क्लियर। और नेक्स्ट वर्ड है आज के लिए, लास्ट वर्ड है इम्पेटस। इम्पेटस की बात करें तो इम्पेटस आप यूज करते हैं, जिसको आप कहते हैं वेगशील, कोई चीज मोशन में है तब आप इस वर्ड को यूज करते हैं, इम्पेटस को, OUSIMPETOUS और IMPETUOUS, देख लीजिए दोनों में कौन सी स्पेलिंग सही होनी चाहिए। और इम्पेटस की बात करें तो डेफिनेटली ये नाउन के रूप में हम इस वर्ड को यूज करते हैं, और वर्ड है वेगशील, यानी ड्राइव आप कह सकते हैं, या एक वर्ड आता है आपके पास मोमेंटम, मोमेंटम भी इसके सिनोनिम के रूप में हम यूज करते हैं। क्या वर्ड है फ्रेंड्स? मोमेंटम, MOMENTUM, देख लीजिए सही स्पेलिंग है कि नहीं है। स्पेलिंग की बात हो रही है तो डेफिनेटली हर स्पेलिंग को आप शक की नजर से देखिए, तभी आपको लर्न हो पाएगी। चलिए सबसे पहली स्पेलिंग इंडिस्पेंसेबल की बात करें तो डिस्पेंस एक वर्ड है, DISPENSE, डिस्पेंस, डिस्पेंस से बना है, एबल आपने सफिक्स लगा दिया और इन इसमें प्रीफिक्स लगा दिया, तो IN, DISPENSABLE, DIS डिस और PEN पेन और SABLE होता है, तो IBLE नहीं ABLE, INDIS। अच्छा एक चीज और है, DIS है और DES है, यहां भी कंफ्यूजन आपको डेफिनेटली हो सकता है, तो INDIS, इंडिस, PEN और SABLE, अगर यहां A लगा दे तो ये स्पेलिंग आपकी सही हो जाएगी। ओ आई मीन दोनों स्पेलिंग यहां रॉन्ग लिखी हैं, क्लियर। तो इंडिस्पेंसेबल में आई की जगह आप ए लगाइए, ये वाली स्पेलिंग आपकी सही हो जाएगी। और इम्प्रिसरियो, इम्प्रिसरियो की बात करें तो IMPRESARIO, IMPRESARIO, ओके ओके। यहां डबल एस है तो डबल एस इसमें नहीं है, ध्यान आपको ये रखना है, इम्प्रेस, कई बार ये डबल एस का हमें कंफ्यूजन होगा, तो IMPRESARIO, इम्प्रिसरियो। और इनकंसीवियबल, तो कंसीव आप याद रख लीजिए, CONCEIVE, CONCEIVE, कंसीव को आप लिख लीजिए सबसे पहले, कंसीव में CONCEIVE और इसमें लगा दीजिए एबल, तो ये ई यहां से ड्रॉप हो जाएगा, कंसीवेबल हो गया, क्लियर। और इसमें आप जोड़ दीजिए इन, सही स्पेलिंग आपकी बन जाएगी, INCONCEIVABLE, बस कंसीवेबल, क्लियर, याद हो गई एकदम। अनबिलीवेबल देख लीजिए सही स्पेलिंग है कि नहीं है, UNBELIEVABLE, बिलीव याद रखिए, बिलीव में आप एबल लगाइए, बिलीव का ई ड्रॉप हो जाएगा जब उसमें एबल लगाएंगे, और बाद में एमल हो गया, शुरू में अन हो गया, तो अनबिलीवेबल, क्लियर। आगे बढ़ जाएं, इम्परसेप्टेबल की बात करें तो IMPERCEPTIBLE, क्लियर, TIBLE, आई नहीं, ये वाला नहीं है, TIBLE है, अच्छा यहां भी रॉन्ग है, यहां भी रॉन्ग है, तो ये आई मैं यहां से हटा दूं, सही स्पेलिंग आपकी ये बन जाएगी, इम्परसेप्टेबल, क्लियर। और इम्पैटस की बात करें तो IMPET
TUOUS, IMPETUOUS, इम्पेटस यानी वेगशील आपका होता है, ड्राइव आप कह लीजिए इसका सिनोनिम, मोमेंटम आप कह लीजिए, क्लियर। तो 25 स्पेलिंग्स हमने सीखी, आई होप यू आर एंजॉइंग और तैयारी भी अच्छी सी चल रही होगी। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब शेयर एंड मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में कुछ और नई स्पेलिंग्स के साथ। आई के बाद अब आगे वाले अल्फ़ाबेट को डिस्कस करेंगे। तो चलिए, कल संडे है, कोशिश रहेगी एक लाइव सेशन भी आपके साथ हो 9 PM, और आपको टाइमली मैं नोटिफाई कर दूंगा लाइव होऊंगा या नहीं होऊंगा। तो चलिए फ्रेंड्स, नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।